दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है तो आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये गलत है। मौनाकी नामक पहाड़ लगभग एक तिहाई हिस्सा समुद्र के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, मौनाकी नामक एक पहाड़ है जिसका एक तिहाई हिस्सा समुद्र के अंदर है, वरना इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा होती। दिस इज गजब। फैक्ट नंबर 10, स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ न्यूज़पेपर कपड़े से छपता है। ये जो स्पेन देश है ये अपने पेड़ को काटने से बचाता है और पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्लांटेशन करता है और तभी अपना न्यूज़पेपर कपड़े से बनाता है। इससे भारत को भी कुछ सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं इस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो मैं आपको बताता हूँ, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। असम से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के लिए चलने वाली विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फैक्ट नंबर 8, मैगी को तो कौन नहीं जानता, 2 मिनट्स की नूडल्स। पूरी दुनिया में हर दिन 120 करोड़ मैगी के पैकेट्स खाए जाते हैं। जितना समय मैं इस बात को आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ उस टाइम 2000 पैकेट्स खुल चुके होंगे। दिस इज गजब। फैक्ट नंबर 7, हमारे दिमाग में इतनी बिजली होती है उससे एक बल्ब जल सकता है। इंसान जब अपने दिमाग के 10% इस्तेमाल से विज्ञान को इतना आगे ले जा सकता है तो सोचो 100% दिमाग के उपयोग से क्या क्या संभव हो सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है। हाँ, छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, साइज की। पूरा 2% होता है। आप देखिए कितना सोता है हमारा दिमाग। लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेले इस्तेमाल करता है। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। फैक्ट नंबर 6, इस इमेज को देखिए। अब आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ की इमेज है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा हार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन हार्ट है। लेकिन इसके अंदर से पूरा खून निकाल दिया गया है, तब इसकी इमेज आप देखिए, इसके अंदर एक भी ड्रॉप खून की नहीं है। कैसा दिखता है हमारा हार्ट? दिस इज गजब। फैक्ट नंबर 5, आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था आखिर ये दुनिया ख़त्म कहाँ होती है भाई, ये अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पर, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर हम, हमारे आगे कोई रास्ता नहीं होगा। तो आज फाइनली इस चीज़ का जवाब मुझे मिल गया। सुसेक्स इंग्लैंड, यह वह जगह है जहाँ पर धरती का अंत होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर धरती ख़त्म होती है, इससे आगे कोई ज़मीन नहीं है। चलिए अगली फैक्ट की तरफ जाने से पहले इस फनी फैक्ट को ज़रूर सुन लीजिए। अरे कुत्तों चुप हो जाओ, हैंड राइटिंग इन एग्ज़ाम फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो एक लाइक इस वीडियो के लिए बनता है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा जीव है जो कि बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ऐसा इंसेक्ट, मुझे तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं खुद शॉक्ड रह गया कि बिना खाए पिए कौन कैसे जिंदा रह सकता है। तो जो जुगनू होता है, जिसको भी आप देखते हैं जिसके अंदर लाइट भी जगती रहती है, आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके अंदर, वो आर्टिफिशियल तो नहीं मैं बोल सकता, सॉरी, नेचुरल लाइट उसके अंदर होती है, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, उसका नाम होता है जुगनू। तो एक ऐसा जीव है जो कि बिना खाए पिए रह सकता है भाई। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा देश है जहाँ की लड़की से शादी करने पर आपको सरकारी नौकरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है, करीब 3 लाख प्रति महीने वेतन के साथ नौकरी, और वहाँ की सिटीजनशिप मुफ्त में दी जाती है, ऐसा वहाँ का नियम है। 3 लाख प्रति महीने यानी कि 3 लाख पर मंथ रुपीस की आपको नौकरी मिलेगी, और वहाँ की सिटीजन भी मिल जाएगी, लड़की भी मिल जाएगी। क्या सोचा आपने कभी? बहुत अच्छा देश है। फैक्ट नंबर 2, भारत में जो शादियों में बिन बुलाए मेहमान बहुत आ जाते हैं। हाँ मैं भी गया हूँ एक बार, आप कितनी बार गए कमेंट में ज़रूर बताएगा। मगर जापान में मेहमानों को खरीदा जाता है, इस काम के लिए उनको पैसे और खाना दोनों मिलता है। भाई जापान में तो मेहमान खरीदने पड़ते हैं, भारत में तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं बिना पैसों के, सिर्फ उनको खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, और आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक घड़ा है, उसके अंदर आप कितना भी पानी डालेंगे वो कभी नहीं भरता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शीतला माता का एक मंदिर है जिसमें एक छोटा सा घड़ा है, यह घड़ा सिर्फ आधा फुट गहरा है, लेकिन इस घड़े में कितना भी पानी डाला जाए फिर भी वह नहीं भरता है। इस घड़े को साल में सिर्फ 2 दिन के लिए खोला जाता है और उस दौरान कई भक्त इस घड़े में पानी भरते हैं, फिर भी यह घड़ा भरता नहीं है। एक बार इस घड़े में 50 लीटर से भी ज़्यादा पानी भरा गया, फिर भी यह नहीं भरा। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब इस घड़े में दूध डाला जाता है तो यह तुरंत भर जाता है।
इस घड़े की कई बार जांच की गई, लेकिन आज तक नहीं पता चला आखिर यह घड़ा इतना विचित्र क्यों है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें।